वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आपको पता है कि आज मेरे भाई का शादी है और इधर देखिए मिस्टर आशीष अग्रवाल, क्या नाम है, आशीष जी है मेकअप आर्टिस्ट, ये सबका मेकअप करने आए हैं दिल्ली से गाइस। और किट्टो खासकर अपने लिए बुलाए थे लेकिन जानते हैं शादी का घर है, सब लोग धीरे धीरे मेकअप कराएंगे और इनका भी नाम होगा थोड़ा बहुत, तो मेरे चैनल से भी थोड़ा सा इनको सब लोग जानने लगेंगे, है कि नहीं, जो लोग देखेंगे यार सारे एक चैनल के हैं। हाँ, भी कोई पटकी खाया हुआ होगा। इधर देखिए दूल्हे के बहन का मेकअप हो रहा है और मेकअप हो गया है स्टार्ट, फर्स्ट मेकअप इनका हुआ है, इसके बाद नंबर लगा है। मैं नहा के आ गई हूँ, सबसे पहले आप सबको श्री शिवाय नमस्ते भैया। सबसे बढ़िया यही हरि नाम से स्टार्ट करो। मैं तो करती हूँ भगवान सबके ऊपर, ब्लॉग में देखा हुआ है गाइस, राधे राधे, हम देखते हैं। तो गाइस हम भी नहा के आ गए हैं, हम भी बोले हैं कि मेकअप कर लेना क्योंकि भाई शादी है, सब बहनों के चेहरे पे रौनक रहेगी तो मेरे भी चेहरे पे रौनक आनी चाहिए, तो मैं भी इनसे ही मेकअप करवाऊंगी मिस्टर आशीष जी से। और इधर इनका पिटारा सब मेकअप का खुला हुआ है, हाँ तो इनका पिटारा सब खुला हुआ है। गुन्नू को मैंने नहला दिया है गाइस, देखिए गुन्नू सो रहे हैं। गुन्नू आज मौसी के यहाँ से आए हो ना? सो रहा है, नहीं सो रहा है, गुन्नू को नहला दे, गुन्नू तैयार हो रहा है, गुन्नू को 11 बजे के बैठी है, 1 बजे बस, अच्छा 11-12 3 घंटा 1 बजे कल मेकअप करा लू, बड़ा चली जाए नहीं यार, थोड़ा सा हम भी अरे नहीं कर देंगे ना, कोई स्टाइल नहीं है, नहीं मेरा जल्दी होगा, मेरा भी ज्यादा समझा, बस लगाना है, कर ली लगाना है, एक लोग मेकअप में इतना समय लग रहा है। पापा मम्मी बात कर रहे हैं क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, बच्चे लोग कहाँ है, मैं जा रही हूँ नीचे देखने कि बच्चे लोग हैं कहाँ गाइस, एकदम से दिमाग खराब हो गया, वो लोग बार बार नीचे भाग के जा रहे हैं। हाँ देखती हूँ नीचे नहाओ, मतलब बाल का शादी वाले दिन क्या है कि आते हैं बाल काटने के लिए, तो अंकिता बाल कटिए, चलती हूँ नीचे, उन लोग का कपड़ा भी एक तरफ करके रख देती हूँ गाइस, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, बहुत काम रहता है शादी वाले घर में। इधर देखिए बाल बनाने के लिए आए हैं और नंबर लगा है, आरो इधर नंबर में लगे हुए हैं, आर्यन भी, तो ऐसे तुम लोग यहाँ खड़े रहोगे कब तक, हम वेट करेंगे इसके बाद मेरा इसका। तो अपना कपड़ा निकाल के रख लिए हो, कहाँ है शादी में पहनने वाला, नहीं है, है बैग में ही है, बैग में है, अच्छा भैया भाषा बोल रहा था, भैया तो अच्छा से बाल काटेंगे लोग, इस लोग इस लोग वाला बाल नहीं, अच्छा से पढ़ा लिखा जाते ना वो वाला स्टाइल काटा, और खाद कटवा लेना अच्छे से, ज्यादा बड़ा बड़ा मत करवाना, हमारे बेटे खाना बन रहा है गाइस। गाइस देखिए आज बारात जाएगा और आज के दिन सब लोग आ गए हैं मेहंदी लगवाने, मेरा भी मन कर दिया, कल तो नहीं मन किया, कल पूछी थी तो मेहंदी लगवाओगी, मैं बोली नहीं, लेकिन चाइना वाला मेहंदी मंगवाई हूँ, आधे घंटे में लगवा दूंगी, इधर भाभी भी आज उनका भी मन कर दिया और मेरा भी मन कर दिया, तो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने और इधर प्रीति लगा रही है फटाफट, अच्छे से लगवाना ना, अरे ये रोशनी रोशनी सॉरी रोशनी, इधर देखिए एक हाथ में मेरे मेहंदी लग गया है आगे की साइड, अब जा रही हूँ पीछे की साइड लगाने, कैसा लगा है, इधर देखिए चाची भाई अम्मा का बाल उठा रही है गाइस, ये सब जगह चूड़ियां लगा दिए ना मिले, हाँ सब लोग तैयारी कर रहे हैं बारात की तैयारी, किसन 10 रुपए पिन देर को था, लो 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 लगाओ जल्दी से, अरे तो क्लिप भी लेना खाली, मैं जुड़वा बनाऊंगा जुड़ अच्छा लगे।
देखिए मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवा के आ गई हूँ। दोनों टाइम मेहंदी रस्म पे मेहंदी नहीं लगाई, लेकिन इधर देखिए खाना पीना अभी तक बाल ही नहीं कटा। आरो कट गया, अभी तक इनका बाल नहीं कटा है और इधर खाना पीना लग गया है। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। मैंने खा लिया, मैंने एक मिर्चा लिया और नमक लिया। खाने में मिर्चा और नमक ले लो तो टेस्टी और बढ़ जाता है। देखिए ये हमारी मौसी है, मेरी मम्मी की बहन है, पहचान लीजिए अच्छे से। अरे हमारे दादी तो भाई भाई भैया, ये हमारे दादी को भाई नहीं देख ला, सबने चीन ले जा। मतलब हमारे पापा के मौसी है, नहीं हमारे मौसी है, नहीं हमारे पापा के मौसी है। और ये घर में कहा बटे बैदा मजे के मौसी आए हैं, कुल मौसी से मिलाई थे हमने। मौसी कही अपने पापा के मम्मी के भौजी यहाँ बैठ के अनाज खाते ना, मऊ जाती खाए वाले। अरे खाओ खाओ इधर हम लोग की बुआ है। ये जमीन पे बैठ खाना खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेहनत करने की बात है भाई, सबने हाथ में मेहंदी लगवा ली, लेकिन देख ऐसे फैलाई देखिए मेहंदी लगवा ली हूँ। और ये मेरे भाइयों का कह रहा था कि जाओ मेहंदी लगवा लो, तो मैं अपने भाइयों की इच्छा पूरी कर रही हूँ गाइस। हम भी जा रहे खा के, फिर एक आदमी और लगवाएंगे। आ जाओ। और ये हमारी सोना है, ये सोना है। तो देखिए मेरी मौसी मेरे लिए खाना लेके आए, क्योंकि और अच्छा लगता है। गाल गाम ना खावे चनक दाल ली एक दही भी ना। हां ना खरा जिन कर गीला। हम चनक दाल नहीं खाते हैं। तब के खाते किसको दे दे, नहान जी खाओ तू। सब लोग बैठ के खा रहे हैं गाइस। अरे मौसी खाए पहले, चावल दाल लाएगा, चावल सब्जी और पूरी। गाइस हाथों में मेहंदी लगा है, मौसी मेरी खाना मेरे लिए लेके आ रही है। देखिए इतना सेवा पानी बढ़ गया है मायके में आके। मम्मी अकेले खा रही है, देख ये मेरी मम्मी है, ये वो मेरी मम्मी की बहन है, अरे मैं फ्रेंड हूँ। तो पूरे ऑल इंडिया जानते हैं, यूट्यूबर जानते हैं। ये हमारा छोटका चाचा, लेकिन हमसे छोटा है। बताऊ तू ये हमसे छोटा है। एक महीना अब आर्यन का बाल कट रहा है गाइस, एक साल के। इन डेढ़ साल का बड़ी है, बड़ी है। डेढ़ साल की ये बड़ी है मुझसे, और ये मुझसे शादी हुई थी तो हम पैदा हुए थे। और जब मेरा दोंग आए तो हम पैदा हो गए। देखिए गाइस ये मेरा अभी इतना अब कहाँ जाना बा, ठीक बात है। इधर देखिए आरो नहा के आया है, टॉवल लगाया हुआ है, अभी उसका ले नहीं सकते। इधर देखिए बस इतना पोजीशन दिखा रहे हैं, हाथों में मेहंदी लगाया है। तो मैं आरो को बोली जाओ तुम अपना हाथ धुल लो, तो सुराची बोली नहीं मौसी आरो का हाथ मत धुलवाओ, मैं अपने हाथों से खाना खिला दूंगी आरो को। तो ये देखिए पूरी के बोले, आरो बोला केवल पूरी सब्जी लेके आना, तो ये पूरी सब्जी लाई है। और ये सोनाक्षी देखिए अपने हाथों से खिला रही है घर सोनाक्षी। और इधर देखिए इधर ऋषभ भी खाना खा रहे हैं। नीचे नहीं खाए क्या? जब शाम कुछ खाते नहीं, ये चार पूरी थोड़ी पसंद दाल बना है, दाल बना है, चावल बना है, दो किस्म की सब्जी है। आज मिलेगा, चलो बना दो आइटम खाना। क्या चीज? तो गाइस जैसा कि देखा और आरो खाना खा रहे थे, और विनय भाई बोले लगवा ली, बहुत बहुत बोले कि हाँ लगवा लो। तो मैं गई अपने हाथों में बोले, मैं चाची की लड़की से बोले कि दीदी को मेहंदी लगा दो। तो लगवा ली हूँ चाइना वाला से लाके, भाभी और भाई ने सब लोगों ने मिलकर ये कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। अभी मेकअप वगैरह कराना है, तो मेरे भाई लोग इस शादी का तो ध्यान रखते हुए, अपनी बहन का, अपनी बड़ी बहन का ध्यान रखते हुए। मैं ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं करती हूँ, आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।